हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 20 दिन से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है और यूक्रेन की धरती पे रशियन टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स और सोल्जर्स अटैक कर रहे हैं। और पिछले 20 दिन से मैं फॉलो कर रहा हूँ प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, यस, जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है, वो क्या कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, वो सब मैं फॉलो कर रहा हूँ। और रिसेंटली पिछले 3 इंटरव्यू जो लास्ट 3 डेज में दिए हैं, उनमें उन्होंने काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट्स भी दिए, जैसे कि हम हमारे आखिरी सोल्जर तक फाइट करेंगे, यूक्रेन हार नहीं मानेगा, दुनिया हमारी मदद करे, हमें हथियार भी दीजिए, ये सब मैंने देखा। बट इवेंचुअली आज जो एक इंटरव्यू उन्होंने दिया और उन्होंने फिर अपनी नाराज़गी जताई नेटो के प्रति, उन्होंने कहा कि नेटो आर्टिकल 5 जो नेटो का है उसका उल्लंघन कर रहा है, नेटो आर्टिकल 5 को समझ नहीं पा रहा है और हमारे साथ अन्याय हो रहा है इस दुनिया में। ये यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने ये कहा। तो आप तो जानते ही है कि मैं बिना रिसर्च करे कुछ भी बोलना शुरू नहीं कर देता, इसलिए मैंने जाके नेटो का आर्टिकल 5 पढ़ा। आर्टिकल 5 जब मैंने पढ़ा तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और उसमें यह लिखा है कि नेटो के किसी भी सदस्य पे यदि हमला होता है तो ऐसा माना जाएगा कि वो हमला हो रहा है नेटो पे, इसलिए उस सदस्य की मदद करने नेटो के सारे कंट्रीज आएंगे। और इस बात को लेके प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की पकड़ के बैठ गए हैं कि ये आर्टिकल 5 का उल्लंघन है। अब पहला जो मेरा प्रश्न है उनसे वो ये है कि क्या आप नेटो के मेंबर हैं, क्या यूक्रेन नेटो का मेंबर है? तो उसका आंसर हम सब जानते हैं कि वो यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है। तो जब आप मेंबर ही नहीं हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी प्रोटेक्शन करने पूरा यूरोप, पूरा यूएस और नेटो के मेंबर्स आए? फिर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि नेटो ने हमें कई साल से ऑफर्स दिए कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और उनकी बातों में शायद वो आ गए या पता नहीं, वो उनका भी कोई पॉलिटिकल एजेंडा है या पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि नेटो ने हमें हमेशा कहा कि हमारे द्वार आपके लिए खुले हैं, पर अब नेटो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। ब्रिटिश न्यूज़ के एक इंटरव्यू में जब एक ब्रिटिश रिपोर्टर लेडी ने पूछा उनसे कि बाकी जो नेटो के नेशंस हैं वो ये सोच रहे हैं कि यदि वो आपकी मदद करने आएंगे तो उससे ये वॉर और बढ़ जाएगा, ना कि सॉल्व हो। इन सब चीज़ों से हमने क्या सीखा कि अपने पड़ोसियों से लड़ के किसी और का प्रचार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिचुएशन बहुत ही टिपिकल है। ये सिचुएशन आप ऐसा समझिए, रशिया यूक्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, एक एवरीडे एग्जांपल से मैं लेता हूँ। हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा हो रहा है, ठीक है, आपके पड़ोसी है हस्बैंड और वाइफ और उनका झगड़ा हो रहा है। अब आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप उस झगड़े में जाके पढ़ें और सॉल्व करें और कौन सही है कौन गलत है वो आप करें, या तो फिर आप उन्हें झगड़ने दीजिए और आपको पता ही है कि कल सुबह उनका ऑटोमेटिक झगड़ा सॉल्व हो जाएगा और ये लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। तो पूरी दुनिया अभी यूक्रेन रशिया को उस तरह से देख रही है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की वो वाइफ है जो समझती है कि वो सही है और दुनिया को आके उसे बचाना चाहिए, और रशिया वो हस्बैंड है जो सीधा कह रहा है कि ये मेरी धरती है, मेरा ही देश है और ये मैं लेके रहूँगा। और कोई लीडर ग्रेट तब कहलाता है जब वो वॉर्स प्रिवेंट करे, ना कि वो प्रो वॉर हो। क्यों? क्योंकि एंड में तो सब सेटल हो ही जाएगा। रशिया वर्सेस यूक्रेन में दोनों पॉलिटिकल लीडर्स एंड में समाधान कर लेंगे, यार यूक्रेन रशिया को ज्वाइन कर लेगा, या फिर कोई ट्रीटी साइन कर देंगे कि वो कभी नेटो में नहीं मिलेगा और वो इंडिपेंडेंट रहेगा। जो भी सिनेरियो हो, इवेंचुअली जो लोगों के घर टूटे हैं, जो लोग रीलोकेट हुए हैं, उन लोगों के दर्द का क्या? और आज मैं आपको थोड़ा बहुत वर्ल्ड वॉर टू के लिटरेचर में से भी कुछ कहना चाहता हूँ, जिसमें यह लिखा गया है कि देर इज़ नो विनर इन वॉर, वॉर में कोई जीतता ही नहीं, और वो एक डिस्ट्रक्शन है, लोगों को मारना, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ना, लोगों की लाइफ मिजरेबल करना, हॉस्पिटल्स तोड़ना, देर इज़ नो विनर। वर्ल्ड वॉर टू के बाद कोई कंट्री विनर नहीं था। विनर सिर्फ वो होते हैं जो मतलब हथियार बनाते हैं और उनका प्रॉफिट हुआ, बट ह्यूमैनिटी में कोई नहीं जीतता युद्ध करने के बाद। इसलिए इस दुनिया में आज तक जो भी लोगों ने युद्ध रोकने का प्रयत्न किया उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ। और अंत में श्री राम का एक वाक्य, क्षत्रिय होने के नाते मैं समय समय पर युद्ध में भाग लेता रहूँगा लक्ष्मण, पर
मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस दुनिया में युद्ध फिर कभी ना हो। धन्यवाद।